नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हुंडई की एलीट i20 2017 जो उन्होंने 6 अप्रैल को चुपचाप तरीके से लॉन्च कर दी, में क्या फीचर्स हैं और हमें इसका कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हुंडई जो है वो हम इंडियंस को बेवकूफ समझती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो हमें बेवकूफ समझती है, बहुत बड़ा बेवकूफ समझती है। क्योंकि वो 10 लाख की कार मैग्ना ऑटोमेटिक एलीट i20 हमें दे रही है 10 लाख से भी ज्यादा ऑन रोड प्राइस में, और उसमें हमें ABS नहीं मिलता है, उसमें हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, उसमें हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तक नहीं मिलते हैं, उसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, उसमें LED TRLs नहीं मिलते हैं। तो वो 10 लाख की कार किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसमें ऑटोमेटिक है? ओह टू मच, बहुत बड़ा बेवकूफ समझती है हुंडई हमें। और हम इंडियन कंज्यूमर्स को अब जाग जाना चाहिए इन कार कंपनियों के फ्रॉड के लिए, क्योंकि ये हमें बेस ये एक कार लॉन्च करते हैं उसके 3, 4, 5, 6, 7 वेरिएंट्स लॉन्च कर देते हैं, और जो एडवर्टाइज करते हैं, जो फीचर्स ये लोग बताते हैं, वो सारे फीचर्स टॉप के 2 या 3 वेरिएंट में होते हैं। कभी कभी तो सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही सारे फीचर्स होते हैं, जैसा कि एलीट i20 2017 के साथ भी है। इसमें इन्होंने बताया है कि हुंडई की फ्लूइड डिजाइन मेथोडोलॉजी पे बनी हुई कार है, और इसमें आपको कन्वीनियंस, कंफर्ट और स्पेस मिलेगा। जी हाँ, इसमें कन्वीनियंस है, बहुत अच्छा राइड क्वालिटी देता है, बहुत अच्छी हैंडलिंग भी है, बहुत अच्छा स्पेस भी है इस कार में। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के साथ ही। लेकिन अब मैं पहले बात कर रहा था कि इसमें क्या क्या एडवर्टाइज किया गया, क्या क्या फीचर्स है इसमें। इसमें बताया गया था इसमें रेडिएटर ग्रिल है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, स्टाइलिश डुअल टोन है, इसमें रियर पार्किंग रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स हैं, कन्वीनियंस, कंफर्ट और स्पेस, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले 3 वेरिएंट एरा, मैग्ना एग्जीक्यूटिव और मैग्ना ऑटोमेटिक, ये तो आप खरीदने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि इसमें ABS नहीं दिया गया है। इसमें आपको एयरबैग्स जरूर मिलेंगे लेकिन ABS नहीं मिलेगा। हम एयरबैग का क्या करेंगे जब हमारे पास ABS ही नहीं है? ABS हमें कोलिजन होने से बचाएगा, ABS तो तब काम आएगी जब हमारा कोलिजन हो जाएगा। तो हमें पहले प्रिकॉशंस के बारे में सोचनी चाहिए, ABS तो देना ही देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब मैं बात करता हूं कि इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो काफी प्रीमियम हैचबैक है मानता हूं मैं, लेकिन इसकी प्राइसिंग बहुत ही घटिया तरीके से हुंडई ने इस पर दिया है। एरा पेट्रोल स्टार्ट होती है 5,36,000 से, डीजल में जाती है 6,66,000, मैग्ना एग्जीक्यूटिव 5,99,000 पेट्रोल और 7,22,000 डीजल, स्पोर्ट्स 6,47,000 पेट्रोल, 7,69,000 डीजल, एस्टा 7 लाख से शुरू होती है पेट्रोल में और 8,51,000 से शुरू होती है डीजल में, एस्टा ऑप्शनल जो है 7,25,000 से शुरू होती है पेट्रोल में, और ऑप्शनल एस्टा डीजल मिलती है 9,07,000 से शुरू होती है, एक्स शोरूम प्राइसेस से मैं बता रहा हूँ। और मैग्ना ऑटोमेटिक जो सिर्फ पेट्रोल में मौजूद है वो शुरू होती है 9,09,000 रुपए से एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड आते आते ये हो जाएगी 10 लाख रुपए तक। और इस कार में आपको नहीं मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा, नहीं मिलेगा आपको टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, ना ही आपको मिलेगा रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर, ये ना ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ना ही डुअल टोन। तो कोई भी फीचर आपको 10 लाख की कार में नहीं मिलती है, तो लेने का मतलब क्या है? सिर्फ इसलिए कि वो ऑटोमेटिक है? सिर्फ इसलिए कि वो एलीट i20 है? नहीं, नहीं लेना चाहिए। मेरा सलाह है कि मत लीजिए। हुंडई को ये समझ में आना चाहिए कि हम इंडियन कंज्यूमर इतने बेवकूफ नहीं रहे, हम भी काफी चीजें जान गए हैं। और आपको बता दूं कि टच स्क्रीन जो है वो सिर्फ एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में मिलेगा, और एस्टा ऑप्शनल में जो कि सबसे अच्छा वेरिएंट है इनका प्राइस के हिसाब से, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, एयरबैग्स 6 एयरबैग सिर्फ एस्टा ऑप्शनल में आते हैं। एस्टा ऑप्शनल में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और पोजिशनिंग हेडलैम्प्स। तो ये सारी चीजें आपको एस्टा ऑप्शनल में एक्स्ट्रा मिलती हैं।
और इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑप्शनल में। तो अगर आपको हुंडई एलीट i20 लेनी है तो आप स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा ऑप्शनल के बारे में सोचिए, अपना बजट बढ़ा ले उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हैं तो मैग्ना ऑटोमेटिक कभी ना लें, हुंडई एरा और मैग्ना एग्जीक्यूटिव को टच भी ना करें, लेने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि इसमें ABS और बहुत सारे फीचर्स जो इस प्राइस रेंज में मिलनी चाहिए वो नहीं मौजूद है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही बताना था कि हुंडई हमें कैसे बेवकूफ बना रही है, कैसे उन्होंने फीचर्स को हटा दिया है हुंडई के i20 के एग्जिस्टिंग मॉडल से और नया लॉन्च कर दिया है। तो अवेयर हो जाइए, हुंडई की साइट पे जाइए, सारे फीचर्स के बारे में जानिए, कंपेयर कीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। और अगर लेना है तो स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा ऑप्शनल ही लीजिए, उसके अलावा आप हुंडई का एलीट i20 का कोई भी वेरिएंट ना ले तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में वो बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं सुनील मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।